Nah lagi lo coba makanan. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन सलोनिया फैमिली पर स्वागत है। और आज है छठ का, छठ व्रत का स्टार्ट हो चुका है आज से। आज है नहाए खाए और मैं आई हूँ मायके। आप लोगों को तो पहले वीडियो में पता ही चल गया होगा, तो मैं मायके आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी छठ करती है। तो आज मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे मिली है किचन की जिम्मेवारी। सभी मतलब मैं और मेरी दीदी जो भी आए हैं सबको अलग अलग काम दिया गया है, सब अपने अपने कामों में लग चुके हैं। तो आज मैं नहाए खाए का खाना बनाऊंगी, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या क्या बना रही हूँ आप लोग देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और सभी छठ व्रतियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और छठ माता आप लोगों का छठ अच्छे से। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आज है कद्दू भात। तो कद्दू भात बिहार में बोलते हैं, तो यहाँ पे आज सारा आइटम ज्यादा कद्दू के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे बनेगा आज चना का दाल और कद्दू की सब्जी। तो आज है कद्दू भात, जिसके वजह से कद्दू के ही ज्यादा आइटम्स होंगे। तो मैं जो जो बनाती हूँ और कैसे हमारे घर में नियम पालन हो रहा है, मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी हो रही है रेडी कद्दू भात का पूजा के लिए। और ये है मेरी मम्मी और यहाँ पे उनको सिंदूर पहना रही है मेरी बड़ी दीदी और उन्हें अलता लगा रही है मेरी भाभी। हाय फ्रेंड्स, कहाँ रखी है के? ये लगाए छे देखिए, लगाए वाली के देखिए लोनिया को छठ व्रत हम हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका यह चार दिन का होता है, जिसका आज पहला शुरुआत दिन है, नहा खाए का दिन है। मेरी सारी बच्चियां बहुत खुशी खुशी यहाँ पहुँच करके छठ व्रत का त्योहार मनाने आई है। और आज जो है हम मेरे तरफ से सभी छठ व्रतियों को, बड़े सभी छठ व्रतियों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारे शुभ प्यार। और मैं यही छठ माता से कामना करती हूँ कि सभी छठ व्रतियों के सौ परिवार को अच्छे से शांति पूर्वक रखें।
खाना रेडी है। आज है कद्दू भात का खाना कंप्लीट। लगी लो छो मखाना बहुत अच्छा बेटा, खाना बहुत बढ़िया बन रहा छो। सब खाना बहुत स्वादिष्ट छो। खाना बनावे वाली के बहुत बहुत धन्यवाद। खो खो खाना भी आ रहा है। धनिया पत्ता का घास है। हाँ ठीक छो। मैं छठ मैया से यही कामना करती हूँ कि छठ मैया सारी छठ व्रतियों के ऊपर अपनी कृपा बरसावे और सारे परिवार सारे समाज को सुखी संपन्न रखें। और मैं सारे दोस्तों से यही विनती करती हूँ कि मेरी बेटी के चैनल को अच्छे तरह से प्यार दें और आगे बढ़ने का आगे बढ़ाने की कोशिश करें।